स्वागत है आप सबका एक बार फिर से स्टडी टुगेदर लर्न बेटर के प्लेटफॉर्म पर। जैसे हमने आपको बोला था टर्म वन का डिस्कशन हम क्वेश्चंस के साथ लेकर के आएंगे, उसी तरह हमने आपके लिए टर्म वन का एग्ज़ाम के लिए, जो आपका एग्ज़ाम है उसके लिए हमने डिस्कशन लेकर के आया SST का, जो कि सोशल स्टडीज़ का। मैं यहाँ लिखता हूँ आपके लिए, कुछ देर में यहाँ पर फोटो आएगा जैसे मैं यहाँ से हटूँगा। सोशल स्टडीज़ का टॉपिक है आपके लिए, ठीक है, जो कि सोशल स्टडीज़ का चैप्टर वन पर डिस्कशन बेस्ड होगा हमारा, और यहाँ पर जितने MCQ बन सकते हैं हम उसी चीज़ को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपना चालू करते हैं वीडियो को और शुरुआत करते हैं डिस्कशन, ठीक है। आपके लिए बहुत मैं यहाँ साइड हुआ, अभी फ़ोटो आपके लिए यहाँ पर आ जाएगा। तो चलिए मैं मोबाइल से देखता हूँ, आप लोग उस फोटो से देखकर क्वेश्चन को रीड करिए, ठीक है। चलिए तो देखिए, पहला क्वेश्चन है द बेस्टाइल वॉज हेटेड बाय ऑल बिकॉज, दिख रहा होगा आपको द बेस्टाइल वॉज हेटेड बाय ऑल बिकॉज। बेस्टाइल जो था, जो जेल जहाँ पर था, वो क्यों लोगों के द्वारा हेट किया जाता था, नफरत किया जाता था उसको। तो चलिए चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को पढ़ लीजिए। पहला ऑप्शन है इट स्टूड फॉर द डिस्पेक्टिव पावर ऑफ द किंग, ठीक है। इट सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ ए हिल, सेकेंड है। थर्ड है प्रिजनर्स बिलोंग ओनली टू द पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, और चौथा है नन ऑफ दिस। तो पहला जो है इट स्टूड फॉर द डिस्पेक्टिव पावर ऑफ द किंग, तो बता रहा है ये पॉइंट कि बेस्टाइल जो है वो किंग क्या पावर के लिए हरदम खड़े रहता था, मतलब किंग को हरदम सपोर्ट करते रहता था, वही चीज। और सेकंड पॉइंट बता रहा है इट्स सिचुएटेड ऑन अ टॉप ऑफ हिल, जो बेस्टाइल है वो एक हिल के टॉप पर एक जगह है इसलिए। या फिर तीसरा बताया प्रिजनर्स बिलोंग ओनली टू द पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, तो मतलब जो वहां पर बेस्टाइल में जो जेल था, वो जेल में जो रहने वाले जो लोग थे, प्रिजनर्स थे, वो लोग पुअर सेक्शन से बिलोंग करते थे, इसीलिए नफरत किया जाता था। तो ये चार ऑप्शन है, चौथा है नन ऑफ दिस, ठीक है। तो ये चार ऑप्शंस हैं जिसमें आपको खुद समझना है कि सही ये क्या है, गलत क्या है। तो मैं बताता हूँ आपको पहले, तो पहला ऑप्शन है ए, जो कि सही है, जिसका पॉइंट था इट स्टूड फॉर द डिस्पेक्टिव पावर ऑफ किंग, ये किंग को लोग यहाँ के सपोर्ट करते थे, यहाँ का प्रिजन सपोर्ट करता था, इसी के लिए लोग इससे नफरत करते थे। ये होगा सही ऑप्शन, आंसर ऑप्शन ए, ठीक है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में लिखा है व्हेन डिड लुईस 16 बिकम द किंग ऑफ फ्रांस, लुईस 16 फ्रांस के किंग कब बने। ये छोटे छोटे वन लाइनर क्वेश्चन हैं, ये आपको बहुत हद तक पता भी होगा अगर आप चैप्टर ढंग से देखे हो। तो पहला ऑप्शन है 1770 में, पहला ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है 1772 का, और थर्ड ऑप्शन है 1774 का, फोर्थ है 1787 का। तो जो लुईस 16 थे वो गद्दी पर कब बैठे थे, आप सबको अगर चैप्टर का स्टार्टिंग याद है तो एक पॉइंट वहाँ पर लिखा ही हुआ था चैप्टर का स्टार्टिंग में कि लुईस 16 जब किंग बने उसके बाद वो अमेरिका का कुछ कॉलोनीज को इंडिपेंडेंस दिलाए थे। तो वहीं पर उनका ये भी लिखा हुआ है कि कौन से ईयर में वो बने थे, ये ऑप्शन सी होगा, जहां पर ये ऑप्शन सी जो कि हमारा इन 1774 जो है हमारा वही है सही आंसर, क्योंकि 1774 में वो वहां का किंग बने थे, ये हम आपको सबको पता है, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलियन प्रिंसेस मैरी एंटोनियो वॉज मैरिड टू, ऑस्ट्रेलिया के जो प्रिंस थी वो किससे शादी की थी, जो प्रिंसेस थी वो ऑस्ट्रेलिया की, वो किन से, मतलब कि फ्रांस के कौन से रूलर से शादी की थी, वो चीज़ पूछ रहा है यहाँ पे। तो पहला दिया हुआ है लुईस 13, लुईस 14, लुईस 15 और लुईस 16। तो चैप्टर में पूरा चैप्टर बेस्ड है किस पे, लुईस 16 का रूलिंग पर। तो आप सबको पता है ऑब्वियस कौन सा होगा ऑप्शन, ऑप्शन डी लुईस 16, ठीक है। तो नॉर्मल सा है, आप सबको चैप्टर में पता है, डिस्कशन उन्हीं से ही चालू हुआ है, उन्हीं पर ही खत्म हुआ है, तो वहीं पर ही हमारा किंग का भी आंसर मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं फोर नंबर क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन है द वर्ड लीवर्स स्टैंड फॉर, तो लीवर्स आप पढ़े होंगे जब वहां पर आप इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में फ्रेंच रेवोल्यूशन का पढ़ रहे थे, तो वहां पर एक चीज आया था जहां पर कि वहां के लोग बात कर रहे थे किसके बारे में, वो लोग बात कर रहे थे वहां के इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में, जहां पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट को ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा था,
ठीक है। तो उसी तरह जब हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जब बात पढ़ने लगे इस चैप्टर में, तो वहां पर हमको टर्म सुनने को मिला था लीवर, ठीक है। तो लीवर क्या था, पहला ऑप्शन है दिया हुआ है आपको, स्टैंड फॉर लीवर का क्या मतलब होता था, लीवर का वर्ड का यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस, टैक्स लिवाइड बाय द फ्रेंच सॉरी बाय द चर्च, टैक्स लिवाइड बाय द स्टेट, नन ऑफ द एबव। बता रहा है पहला ऑप्शन की जो यूनिट करेंसी, जैसे यहाँ इंडिया में यूनिट करेंसी क्या है, पैसा, उसी तरह वहां पर फ्रेंच का जो उस टाइम यूनिट करेंसी था, पैसे जो हम बोलते हैं 25 रुपया, 5 पैसे, 10 पैसे से जो हम बोलते हैं, वो ही हमारा यूनिट करेंसी है इंडिया में, उसी तरह उनका क्या था, ये उनका ये था, पहला ऑप्शन बता रहा है। सेकंड ऑप्शन बोल रहा है कि जो टैक्स जो चर्च लेता था वो वाला है, या फिर थर्ड वो था जो स्टेट जो राजा लेता था टैक्स वो टैक्स है, और चौथा में कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो मेरे अनुसार जो मेरे को पता है वो आंसर होगा जो बुक में दिया है, वो क्या होगा, यूनिट करेंसी, ऑप्शन ए, यूनिट ऑफ करेंसी ऑफ फ्रांस, ठीक है, ये होगा ऑप्शन ए, ठीक। इसका मतलब कि लीवर जो होता है वो क्या होता है, वो ऑप्शन ए, यूनिट ऑफ करेंसी ऑफ फ्रांस, ये होगा उसका आंसर, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं, फ्रांस हेल्प डेस अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन अंडर द लीडरशिप ऑफ लुईस 16। तो फ्रांस कितना कंट्री सॉरी कितने कॉलोनीज को अमेरिका का फ्री कराया था ब्रिटिश से, वो पहला ऑप्शन है आपके पास 10, सेकंड ऑप्शन है 13, थर्ड ऑप्शन है 12 और फोर्थ ऑप्शन है 13। सॉरी फिर से ऑप्शन रिपीट कर दे रहा हूँ, गलती बोल दिया मैं, ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 13, ऑप्शन सी है 12, ऑप्शन डी है 13, ठीक है। तो ये चार ऑप्शंस हैं, इसमें कितने तो फ्री कराया था, लगभग वो 13 कॉलोनीज को फ्री कराया था, जिस कारण अमेरिका फ्रांस का बहुत बुरा हाल हो चुका था, ठीक है, वहाँ के लोगों का बहुत बुरा हाल हो चुका था, क्योंकि लड़ने में वो जितना टैक्स लिए थे, कौन, जो लुईस 16, वो सारा लगा चुके थे उस पर, और उस कारण क्या हुआ था, यहाँ पर उनका जो स्टेट था वो पैसा से जूझ रहा था, तो इसी कारण वो टैक्स बढ़ा दिए थे और लोगों के ऊपर ज़्यादा असर करने लगा था इस चीज़ का, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नंबर 6, तो ऑप्शन 6 में क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द थर्ड स्टेट। तो बता रहा है कि कौन सा तीन चारों में ऑप्शन जो दिया हुआ है, चारों ऑप्शन चारों में कौन सा गलत है उसको टिक करना है, ठीक है, जो इनकरेक्ट है उसको, किसके बारे में दिया हुआ है, थर्ड स्टेट। पहला स्टेट क्या था, पहला स्टेट था क्या, क्लर्जी, जो कि किंग्स के सबसे क्लोज होते थे, ठीक है। फिर आते थे नोबलमैन, नोबिलिटी, ठीक है, उसमें आते थे जो क्लर्जी को सपोर्ट करते थे, ठीक है, क्लर्जी को पूरा सपोर्ट करते थे, और जो नॉर्मल लोग थे वो आते थे थर्ड स्टेट में। इनका कुछ नाम ऐसा तो स्पेशल दिया नहीं गया, लेकिन ये लोगों सबसे ज़्यादा टैक्स और सबसे टैक्स पे करने वाले स्टेट थे, मतलब कि खाली ये दोनों टैक्स फ्री थे, ये लोग टैक्स पे नहीं करते थे और ये टैक्स पे करते थे, ठीक है। तो थर्ड स्टेट, इसी थर्ड स्टेट के बारे में पूछ रहा है ये, तो थर्ड स्टेट के बारे में आइए पढ़ते हैं। पहला था ऑप्शन में, जिसमें रिचर मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट ओन लैंड्स, जो थर्ड स्टेट में, थर्ड स्टेट का सिर्फ जो तीसरा स्टेट लिखा था मैं उसी का पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ, उसके जो मेंबर्स हैं वो लोग उन लैंड ओन करते थे, ये बात सही है, वो लोग उन लैंड ओन करते थे। जैसे उसमें आते थे जो वकील होते थे, जो लॉयर होते थे, जो जो टीचर्स होते थे, और जो हम उनके दौरान में जो मर्चेंट्स होते थे उनके पास इस चीज़ का बेनिफिट होता था, वो लोग लैंड ओन करते थे। ये पॉइंट सही है, ये इनकरेक्ट नहीं है, तो इसको टिक नहीं करना है। विद इन द थर्ड स्टेट सम वेयर रिच एंड सम वेयर पुअर, ऑप्शन बी में दिया हुआ है कि कुछ जो थर्ड स्टेट के मेंबर्स थे, कुछ क्या थे उसमें, रईस थे और कुछ उसमें पुअर थे। ये भी बात सही है कि जो मर्चेंट थे वो रईस थे, और जो जो खेती बाड़ी करते थे, जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस करते थे, वो लोग क्या थे, पुअर थे, वही चीज है। तो ये भी ऑप्शन सही है, गलत नहीं है। द थर्ड स्टेट वॉज मेड ऑफ द पुअर ओनली, जो थर्ड स्टेट में थे वो लोग खाली पुअर थे, मतलब कि उसमें कोई लोग रिच नहीं थे, जिसमें कि ऑप्शन बी में मैं आपको बताया कि कुछ लोग रईस थे और कुछ लोग गरीब थे, लेकिन यहाँ ऑप्शन सी में क्या बोल रहा है, कुछ सारे लोग क्या थे, गरीब थे। तो ऑप्शन सी एक हमको सस्पेक्ट मिलता है जो कि इनकरेक्ट है, लेकिन ऑप्शन डी को भी चेक कर लेते हैं हम। हमारे लिए पीजेंट्स वेयर ऑबिलाइज टू सर्व इन द आर्मी और बिल्ड रोड्स,
तो जो ऑप्शन मतलब कि थर्ड स्टेट के जो लोग थे वो लोग देश के प्रति पूरे अपने आप को दे चुके थे, मतलब कि देश के लिए कुछ भी वो लोग कर सकते थे, ठीक है। और उस कारण क्या होता है, वो लोगों रोड बनाने में, आर्मी में रहने के लिए लोग कुछ भी करने के लिए तैयार रहते थे, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन सही है। तो गलत क्या मिला हमको, सिर्फ ऑप्शन सी, द थर्ड स्टेट वॉज मेड फॉर द पुअर ओनली। जो थर्ड स्टेट था वो किसके लिए बना हुआ था, सिर्फ पुअर के लिए, जो कि ऑप्शन सी है। द थर्ड स्टेट मेड फॉर पुअर ओनली, किन के लिए बना था, सिर्फ पुअर के लिए। तो ये चीज गलत था, ये चीज गलत है जो ऑप्शन में दिया हुआ है उसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। ग्रुप ऑफ पर्सन इन्वेस्टेड विथ स्पेशल फंक्शंस इन द चर्च नोन एज, कुछ जो ग्रुप था लोगों का, ठीक है, लोगों का जो ग्रुप था वो जो स्पेशल कुछ काम में चर्च में सिर्फ रहते थे, चर्च में स्पेशल कामों में रहते थे, जैसे जो राजा का काम होता था वो स्पेशल होता था स्टेट में, तो उस काम में रहते थे, ठीक है। तो वो सब काम में जो रहते थे वो लोग कौन से लोग थे, उनको क्या लोग कहा जाता था, पहला प्रिस्ट, दूसरा फादर, देख रहे हैं आप ऑप्शन, थर्ड क्लर्जी और फोर्थ ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो प्रीस्ट आप जानते हैं जो पूजा, जो सबसे सुप्रीम होते हैं चर्च में, सबसे जो एक तो होते हैं ना मंदिर सब में, हमारे हिंदू धर्म में जो मंदिर में सबसे ज़्यादा सबसे बड़े उम्र में होते हैं उनको सबसे बड़ा योग माना जाता है कि उनको धर्म का सबसे ज़्यादा, हिंदू धर्म का सबसे ज़्यादा ज्ञान है। तो उसी तरह चर्च में जो सबसे ऊपर रहते हैं, जो सिर्फ अपने नीचे के जो पंडित हैं, जो अपने फादर्स हैं उन चर्च के, उनको मैनेज करते हैं, उनको प्रीस्ट कहा जाता है, ठीक है। तो प्रीस्ट तो हरदम चर्च में रहते थे, वो कोई स्पेशल पर्सन नहीं थे, तो ये ऑप्शन गलत होगा। फादर, फादर अगर प्रीस्ट हैं वहाँ पे तो फादर भी रेगुलर है वहाँ पर रहते थे, तो ये भी ऑप्शन गलत होगा। क्लर्जी, तो मैं आपको तीन स्टेट बताया, आप भी चैप्टर पे पढ़े हुए हैं, पहला था क्लर्जी, सेकेंड था नोबिलिटी, थर्ड था थर्ड स्टेट। तो जो थर्ड स्टेट था उसमें तो गरीब लोग, सॉरी गरीब लोग तो नहीं, उसमें ऐसे लोग थे जो कि सिर्फ टैक्स पे करते थे, और नोबिलिटी कैसे लोग थे, जो क्लर्जी के फैमिली मेंबर्स होते थे, ठीक है। और क्लर्जी कौन थे, वो सिर्फ जो राजा के साथ में रहते थे और राजा का स्पेशल काम में इन्वॉल्व रहते थे, ठीक है। तो क्लर्जी में जो क्लर्जी ऑप्शन है ये सही ऑप्शन है, ऑप्शन डी, ठीक है। समझते जाइए, इसको लिखते भी जाइए, आप ऐसे देखने से समझ नहीं आएगा, आप इसको लिखते भी जाइए, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। पीजेंट वेयर ऑबिलाइज टू सर्व द लॉर्ड्स बाय, जो वहाँ के जो पीजेंट थे, पीजेंट मतलब कि जो वहाँ पे खेती बाड़ी करने वाले लोग थे, वो लोग उन किसको सर्व करते थे, सर्व मतलब किसको हेल्प करते थे, किसके लिए काम करते थे, ठीक है। लॉर्ड्स कौन से लॉर्ड्स के लिए काम करते थे, मतलब कि लॉर्ड्स जो थे वहाँ पर, लॉर्ड्स बोला जाता था जमीन के मालिक को, उन्हीं को किसके किसके लिए काम करते थे। पहला दिया हुआ है आपको वर्किंग इन द हाउस एंड फील्ड्स, तो जो उनके घर मालिक थे, मतलब कि सॉरी जो उनके जमीन मालिक थे, उनके घर पे और फील्ड्स पे दोनों पे काम करते थे क्या, वो पूछ रहा है, हाँ ये दोनों पे काम करते थे। जिस पे काम नहीं करते थे उसको इनकरेक्ट, मतलब उसको टिक करना है आपको, ठीक है। सर्विंग इन द आर्मी, लॉर्ड्स के लिए आर्मी में सर्व करना, उनके लिए लड़ना, उनके लिए झगड़ना लोगों से, तो ये भी वो लोग करते थे, आप ये सब चैप्टर में पढ़ चुके हैं। पार्टिसिपेटिंग इन बिल्डिंग रोड्स, रोड बनाने में हेल्प करना अपने मालिक को, ये भी वो लोग करते थे। और ऑप्शन डी में दिया है ऑल ऑफ द अबव, तो मैं क्या बताया, ऑप्शन ए बी सी में जितना वर्क दिया हुआ है ये तीनों वर्क कौन करते थे, पीजेंट्स करते थे अपने मालिक के लिए, तो ये ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव क्लियर हो जाएगा, सॉरी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। टैक्स लिवाइड बाय द चर्च कंप्राइजिंग 1/10 ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इज नोन एज, ऐसा टैक्स जो चर्च लेता था एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसेस पर, उनका 1/10 मतलब जितना साल में एक आदमी खेती करता था उसका 1/10 मतलब कि जितना हुआ है उसको 10 से डिवाइड करने के बाद जितना आंसर आता था, वो आंसर का वैल्यू को पूरा चर्च ले जाता था टैक्स के नाम पर, उस टैक्स को क्या कहते हैं, क्वेश्चन में पूछ रहा है। पहला दिया हुआ है तिथे, थर्ड दिया हुआ है लीवर, फोर्थ दिया हुआ है टैली, और सॉरी थर्ड दिया हुआ है टैली और फोर्थ दिया हुआ है नन ऑफ दिस, तो आपको जानना है कि कौन सा है। तो आप सबको पता है लास्ट में चैप्टर का ये डिस्कस हुआ है, जहां पर चर्च के द्वारा लगाया गया टैक्स पर डिस्कशन हुआ है चैप्टर में, और उसी पर ही आप पढ़े हुए हैं तिथि के बारे में। जो तिथि है वो कैसा टैक्स था, जो ऐसा टैक्स था जो
वहाँ के चर्च लेते थे, ठीक है, और टैली ऐसा टैक्स था जो वहाँ का राजा लेता था, ठीक है, दोनों का डिफरेंस समझेंगे। जो ऑप्शन ए पे तीते दिया हुआ है वो चर्च लेता था वैसा टैक्स, और ऑप्शन सी पर जो दिया हुआ है टैली वो कौन लेता था, वो वहाँ का राजा लेता था। तो चर्च जो लेता है वो कौन सा है, ऑप्शन ए, वो क्या है, तीते, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखें। चर्च के द्वारा लगाने वाला टैक्स था सिर्फ यही, और जो राजा के द्वारा लगाने वाला टैक्स था वो था टैली। और लीवर आपको पहले ही क्वेश्चन नंबर 4 में ही बता दिया था, टैक्स जिस फॉर्म में पे होता था वो क्या था, लीवर था, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जो हमारा इस वीडियो का होगा उसको चलिए डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इन द फ्रेंच सोसाइटी द टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट इज नोन एज, स्टेट को जो राजा को डायरेक्टली जो टैक्स पे किया जाता था वो कौन सा टैक्स था, ठीक है। तो ऑप्शन ए पर आपको दिया हुआ है टैक्सिम, ये इस चैप्टर में है, लेकिन ये वाला जो चीज है ये एक तानाशाह को पे किया जा रहा था, ठीक है। मैं इसके बारे में आगे डिस्कस करूंगा, यहाँ पर करूंगा, ज़्यादा तो कन्फ्यूज़न होगा, तो पर्टिकुलरली इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा जब आगे के क्वेश्चंस में इनका नाम उठ करके आएगा, ठीक है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है टैली, ऑप्शन सी में दिया है तीथे, और ऑप्शन डी में दिया नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन ए को तो मैं बताया आप साइड कर दीजिए, उसका कोई मतलब नहीं, बचा तीन, टैली, तीते और नन ऑफ दिस। तो तीते लग गया कहाँ पे, चर्च पे। टैली में जस्ट क्वेश्चन 9 में आपको बताया टैली कौन लगाता था, वहाँ का राजा। तो वही चीज पूछ रहा है, वहाँ के राजा के द्वारा लगाया गया टैक्स फ्रेंच सोसाइटी पे कौन सा टैक्स था। तो आपको पता चल गया अब कौन सा टैक्स है, ऑप्शन बी वाला, कौन सा, टैली, ठीक है। तो ये था हमारा यहाँ पर डिस्कशन, और आप अगर इसके ऊपर पर्टिकुलरली वीडियो देखना चाहते हैं तो हमको जरूर बोलिएगा, हम कमेंट सेक्शन में हम जरूर इस पर कोशिश करेंगे पर्टिकुलरली वीडियोस आपके लिए बना दें पूरे चैप्टर पर, ठीक है। तो वीडियो पे बने रहें, इसी तरह ये तो 10 क्वेश्चन था और आगे के चैप्टर्स पर भी आते रहेगा, चैप्टर 1 है अभी, और भी बहुत सारे हैं, ज्योग्राफी हैं, सिविक्स हैं, इकोनॉमिक्स हैं, सब पर आएगा वीडियो, पहले इसको कवर करेंगे, ठीक है। तो वीडियो में बने रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।